हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं रॉयल किंग बुलेट यूट्यूब चैनल। तो मैंने ले ली है क्लासिक क्रोम ब्लैक 350 BS6, जो काफ़ी मुश्किल से मिली मुझे। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा आपको, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फाइनली परचेज करी है मैंने क्लासिक क्रोम 350। तो लीजिए, आपके सामने है। मैं देने वाला हूँ इसका ओनरशिप रिव्यू। पहले मैं इसका वॉकराउंड दूंगा और BS6 350 में क्या अपडेट आए हैं ये भी बताऊंगा, और इसमें क्या अच्छा लगा मुझे ये भी डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। आपके सामने है क्लासिक क्रोम 350, जो पहले आई करती 500 cc में, उसे डिसकंटिन्यू करा दिया गया है और अब 350 में भी लॉन्च हो गई है ये वेरिएंट। अब गाइस, ये आपको मिलेगा क्रोम भर भर के, मतलब कि टैंक हो गया, मडगार्ड है, इंजन है, बैटरी का कवर है, इंडिकेटर हो गए और साइलेंसर है। ब्रेक की बात की जाए तो डुअल चैनल ABS आ रहा है, जो पहले BS4 में और पुरानी बुलेटों में आए करते थे मिस ब्रेक में वॉल ड्रम्स, वो सही कर दी गई हैं रॉयल एनफील्ड ने। मैंने ये चला रखी है 89 किलोमीटर, जो आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या अपडेट करे गए हैं ये भी बताऊंगा आपको। पहला अपडेट है ये सी बैंड पाइप में कैटलेट कन्वर्टर आ गया है। पहले ये आया नहीं करता, पहले इस साइड आया करता था, बट अब इसमें आगे कर दिया गया है कैटलेट कन्वर्टर। और ये कनेक्शन कर दिया गया, जल गया हाथ। पहले यहाँ पे आया करता था, इस पाशन में कार्बोरेटर सिस्टम आया करता था, बट इसे हटाकर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्ट कर दिया गया है, जिससे और बदलाव हो गया है, जिससे कि आपका इंजन जो फ्यूल इंजेक्ट होता है रिफाइंडेड होता है, वो और इन्हेंस कर दिया गया है, जो आपकी गाड़ी और बेहतर चल सके। ये अपडेट किया गया है और ये आपका सिंगल स्टैंड, जैसे कि अगर स्टैंड लगा है सिंगल स्टैंड और आप इग्निशन ऑन करके स्टार्ट करते हो, तो फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी पर गियर लगाते ही तुरंत बंद हो जाएगी। ये इसका फीचर मुझे सबसे बढ़िया लगा है। और एक और फीचर दिया गया है इसमें, जैसे आप अगर लाइट इग्निशन ऑन करते हैं तो आपको हेडलाइट नहीं जलेगी, पार्किंग लाइट जलेगी। आपको दिख रहा होगा, थोड़ी धूप हो रही, दिख नहीं रहा है। और कोई चेंज नहीं किया गया इसमें, वही रॉयल एनफील्ड का राजा। ये BS6 है, इसमें अलॉय व्हील नहीं आते, इसमें फॉक्स व्हील आते हैं। फॉक्स अलॉय व्हील आते हैं इसमें, अलॉय व्हील नहीं आते। और देख लो गाइस, सबसे बढ़िया मुझे इसमें क्या लगा, इसका क्रोम रिफ्लेक्शन मिरर, जो आप देख सकते हैं मैं वीडियो बनाते हुए दिख रहा हूँ, और ऊपर दिख रहा है ब्लू स्काई। और ये मैंने अलग से रॉयल एनफील्ड से लगवाया है, ये शील्ड एयर शील्ड का, जो क्लासिक के लिए थोड़ा महंगा है, ये मुझे पड़ा करीब 3800 रुपीस। ये देखो गाइस,
आपको कैसी बाइक लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ इसकी आवाज़ साइलेंसर की, क्या हो गया गाइस, ये सिंगल स्टैंड पे खड़ी है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसे मैं पहले डबल स्टैंड पे करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसके साइलेंस एग्जॉस्ट की आवाज़ कैसी आ रही है। ओके गाइस, ने डबल स्टैंड पे खड़ी कर दी है, अब इसकी आवाज़ सुनाऊंगा आपके स्टॉक एग्जॉस्ट की कैसी आवाज़ आ रही है इसकी। ओके गाइस, ये कर दिया मैंने ऑन इग्निशन ऑन, ये देखो गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लग रही है आपको आवाज। आपका एग्जॉस्ट की आवाज सुना दी, और देख लो गाइस कई सालों से चलती आ रही है हमारी रॉयल एनफील्ड जो दिलों पर राज कर रही है हर किसी के। ये मैंने करी थी परचेज 15 अप्रैल को करी थी, और कुछ 19 अप्रैल को ही लॉकडाउन लग गया था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत चला ही लेता हूँ। देखो गाइस, डुअल चैनल ABS दिया गया, पता नहीं क्यों इसमें मेरा ABS स्टिकर दिया है। फर्स्ट ABS करवाने जाऊंगा तब मैं इसका उनसे पूछूंगा कि आपके पास अवेलेबल है तो स्टिकर लगवा दूंगा। वही देखो, वही लुक, कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं, सब कुछ पहले जैसे ही है, बस कुछ डेवलपमेंट करे हैं इसमें और कुछ नहीं करा गया है। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अब वीडियो के बारे में कुछ बात करनी हो या कुछ सवाल हो तो कमेंट जरूर करना। मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय।